भगवान श्री कृष्ण के अवतारों और उनकी लीलाओं की कोई सीमा नहीं है, परंतु इन सारी लीलाओं में से सबसे ज्यादा आनंदित करने वाली लीलाएं इस कृष्णा बुक में है और खास करके बच्चों के लिए लिखी गई इस कृष्णा बुक में है। तो चलिए बढ़ते हैं अध्याय 9 की ओर, जिसका शीर्षक है माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना। मैया करती है दधि मंथन, लाल बसा हुआ अंतर मन, नींद खुली और लग गई भूख, मैया स्नेह से पिलाती दूध, सुनकर रसोई घर से शोर, मैया भागी लाल को छोड़, गुस्से में करके नेत्र लाल, मटकी कान्हाने तोड़ी डाल, मैया ने जब देखे छीके, छड़ी लेकर भागी पीछे, मैया का जब हुआ हाल बेहाल, कान्हा ने ही मानी हार, जिसको बांध सके ना बंधन, करते मैया के आगे क्रंदन, मैया भी थी जिद पे आई, बांधन को रस्सी ले आई, रस्सी में कहां इतनी क्षमता, बांध सके सृष्टि के कर्ता, कितना भी मैया करे जतन, दो उंगली हो जाती कम। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। मेरा पहला प्रश्न है कि अपने बालक को रोते देख मैया ने अपने हाथ से छड़ी क्यों छोड़ दी। दूसरा प्रश्न, रस्सी बार बार दो उंगली छोटी पड़ रही थी, इसके बारे में हमारे आचार्यों ने क्या बताया है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज ही ले व पढ़े कृष्णा बुक, और खास करके बच्चों के लिए ये कृष्णा बुक। हरे कृष्णा।